अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं जा रही हूँ अभी जॉब पर और आई थिंक आज मैं बच्चों को स्कूल से पिक कर ही आऊँगी क्योंकि आज मेरा है ओवर टाइम। अब मैं जॉब पे जाऊँगी, फिर बच्चों को स्कूल से पिक करके फिर एक ही दफ़ा घर आऊँगी और कुकिंग वगैरह भी नहीं की हुई है मैंने, तो आज कुकिंग वगैरह करूँगी। तो आज का दिन मेरा थोड़ा सा किचन में बिजी होगा। सो वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ जॉब के लिए, भी जल्दी 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 चलते आफ्टर हॉलीडेज तो जॉब पे जाने का दिल ही नहीं करता है। इसलिए तो गाइस बस से उतर चुकी हूँ, अब मैं स्कूल की तरफ वॉक कर रही हूँ। और वैसे भी अर्ली मॉर्निंग की वॉक बहुत अच्छी होती है हेल्थ के लिए, आप भी किया करें। बच्चों को पिक करने आई हूँ। हुज़ैफ़ा और हानिया का स्कूल का गेट ओपन हो गया है, बट इनकी क्लासरूम जो है वो अभी क्लोज है। स्कूल से निकलने के बाद फुटपाथ पर कुछ इस तरह का क्राउड होता है और सब बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ घर जा रहे होते हैं, जैसे कि हानिया मामा के साथ और बाजू मामा के साथ और भाई जान मामा के साथ। ज़ैफ़ा केक खा लिया आपने? क्रिप्स खाने बाद में। आज लंच अच्छा लगा था? चिकन एंड राइस। मुझे वो सालन नहीं अच्छा अच्छा, मैं तो समझ रही थी कि आपको अच्छा लग रहा है। बारिश स्टार्ट हो गई है जिसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। इतना अच्छा मौसम होता है लेकिन अचानक से बारिश स्टार्ट हो जाती है। ज़ैफ़ा ओपन द डोर प्लीज। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। जल्दी से आप पिज्जा खाओ, फिर कुरान की क्लास लेने के बाद आपने फ्रूट खाने हैं। आज आपने अपने फ्रूट्स मिस नहीं करने, ओके? ठीक है जी मामा, लेकिन ये सब ये ग्रीन स्पाइसी, ये आप खुद उतार लो। ये जेलो पीने, इसको आप ऐसे करके साइड पे रखो, जल्दी जल्दी खाओ मेरा बेटा, ये कोल्ड करके नहीं खाते हैं, ओके? ये बन रही है मेरी गोभी, अभी मसाले में है और साथ साथ में आटा गूंद रही हूँ। बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ नीचे बालकोनी में प्ले कर रहे हैं और बस अभी थोड़ी देर में बच्चों की कुरान की क्लास होगी। बच्चे कुरान की क्लास लेंगे। साकिब से अभी मेरी फ़ोन पर बात हुई है, साकिब रास्ते में है, बस साकिब का मैं वेट कर रही हूँ। और मौसम जो है बहुत ख़राब है, बाहर बारिश हो रही है। ये है मौसम आज का और बस यही है यूके का वेदर। सुबह अच्छा होता है तो शाम में बारिश होती है, शाम अच्छी होती है तो सुबह का मौसम ख़राब होता है। बच्चे प्ले कर रहे हैं नीचे। बेटा अफकार साहब की कॉल आ रही है, अब आपने पढ़ना है, ठीक है? चलो। जब से थोड़ा सा वेदर चेंज हुआ है तो पानी बहुत ही पिया जा रहा है, बहुत प्यास लगती है। पानी हमेशा तीन सांसों में पीना चाहिए, मतलब के वन सिप, सेकंड सिप, थ्री सिप्स। एक सांस में कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए, ये सुन्नत भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज तो आप बारिश में हैं? नहीं आयो, अभी मैं उतर ही तो बारिश शुरू। मैं काफी देर से देख रही थी, रुकी हुई थी, मैंने कहा अल्लाह करे आप जल्दी आ जाओ, लेकिन तो आप ये कहाँ कहाँ गए आज? मैं अपने लोकल हेस्टाउन टेस्को गए थे, टेस्को और वो लोकल शॉप्स वगैरह जो मसाले तुम्हें चाहिए थे। दालचीनी मिल गई है? बड़ी मुश्किल से मिली। छोटा पैकेट बहुत मुश्किल से मिलता है, बड़े पैकेट से। मैंने कहा इतना बड़ा को देख थोड़ी पकानी, तो बस मिल गया। और अच्छा हुआ कि आप शूज जो है ना वो ये लॉन्ग पहन के गए, मैंने रेनिंग के लिए, क्योंकि वेदर जो है ना वो बहुत खराब है ये बारिश के लिए बिल्कुल। आज वो इमरान नवाज शरीफ के घर के बाहर प्रोटेस्ट हो रहा है, मुझे पता है, और वहाँ पे शब्बो जी गई हुई है क्योंकि शब्बो जी के घर से पास ही है ना, तो वो पास पड़ता है। हाँ, शब्बो जी की मुझे कॉल आई थी लेकिन मैं पिक नहीं कर सकी, उस वक्त मैं बिजी थी। तो नहीं, मुझे मेरा फ्रेंड मिला ना। अच्छा अच्छा, जो करवा रहा है ना। हाँ, उसी का फ्रेंड है। ओ अच्छा अच्छा, उसका डैड इधर, मैं मिल के आया उसके डैड से। मुझे लड़का है।
उसका डैड इधर बैठता है, शयान नाम है ना उस लड़के का, शयान का डैड इधर बैठता है ना किधर, अच्छा हेज में ही होता है, में तो वो मेरा दोस्त नहीं है, उसका फ्रेंड है। ओह, तो अभी उसने इंट्रोडक्शन करवाया, अच्छा इसे थोड़ा सा टाइम हो तो उसके फादर उसको अलाउ करते हैं इन चीजों के, वो खुद देख रहे हैं वो उसमें, अच्छा अच्छा क्योंकि उसमें थोड़ा सा डेंजरस भी होता है ना, जैसे उसको अरेस्ट कर लिया था और ये वो चीज, ये तो चलता रहता है, लेकिन वो यंग लड़का है ना, यहाँ का बॉर्न है, बड़ी बात है, वो इस चीजों की चीजों को अप्रिशिएट। लेकिन बहरहाल हालात खराब है, पाकिस्तान के हालात इतने खराब है, आज कारी साहब की कॉल नहीं आई है, इंटरनेट बंद हुआ हुआ है पाकिस्तान में सिर्फ इन्हीं बातों की वजह से, पूरे पाकिस्तान वो कह रहे इंटरनेट बंद, किसी कहीं और नहीं, वाईफाई तो चल रहा होगा, आई थिंक उसका मोबाइल का था ना, तो वो इस वजह से मोबाइल के बंद ऑफ कर देते हैं सेफ्टी के लिए, क्योंकि इमरान खान को अरेस्ट किया तो लोग बाहर निकले हुए हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं और स्ट्राइक्स और चीजें, तो अच्छा आज कुरान क्लास नहीं हुई पे, नहीं कोशिश की है बहुत ज्यादा, लेकिन मैसेज आया उसका, कोशिश भी की है कि नहीं बाजी नेट नहीं कनेक्ट हो पा रहा, चलो सही, चलो आप आ जाओ अंदर रिलैक्स हो, चलो सालन मैंने फिर थोड़ी गोभी मैंने हाफ बनाई, पूरी नहीं बनाई क्योंकि नहीं, बच्चे नहीं खाते तो फायदा हम कैसे, इतना हम भी एक दिन ही खा सकते, बर्बादी होती है ज्यादा, हम नहीं खा सकते, तो मैंने कहा इतना बनाओ लेकिन ठीक है एक दिन ही खाएंगे, मैं तो ऐसे ही ले आया था, मैंने कहा चलो समझ नहीं आ रही क्या पकाना है, तो मैं ले आया, लेकिन सही फ्रूट्स बना रही हूँ आपके लिए, ये आप खाओ, और ऑरेंज भी दे दूं, पता है क्या करो मैं भी खा लूंगी ना, आप थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी कर दो, ब्लूबेरी कर दो, ऑरेंज और ऑरेंज कीवी, हाँ कीवी कर दो, ठीक है इसको मैं वॉश करती हूँ, ये जो है ना ये छोटे पैकेट बहुत मुश्किल से मिलते हैं, ठीक है, और ये मैं लाया हूँ बालूशाही, बहुत देर हो गई थी मैंने खाई नहीं, अच्छी होती है रात को रोटी के बाद, और ये खाने के बाद जलेबी दूध में डाल के रात को खानी है, आज खा लेंगे, मैं दूध के लिए लेके आया, मैंने कहा आगे तो फिर समर आ जाएगा तो फिर तो गर्म दूध नहीं पिया जाएगा, मैंने गोभी स्पाइसी बनाई है जरा खाओ, मैंने इसके ऊपर कोरिएंडर वगैरह नहीं डाला, ओह वाह स्पाइसी बनाई है, चलो अच्छा की थोड़ी बनाई है, तो बच्चे खा लेंगे, ज्यादा नहीं खाई जाती है, बच्चे खा लेंगे, खा लेंगे अगर नहीं तो फिर उनको ऑमलेट बना दूंगी, चलो ठीक, मैं फ्रूट खाने लगी हूँ, अंगूर खट्टे हैं ये कहानी किस किसने सुनी है ज़रूर बताइएगा कि अंगूर खट्टे हैं, बहुत अच्छी बहुत इंटरेस्टिंग और इसका मोरल बहुत अच्छा है इस स्टोरी का, हम जब छोटे थे तो हमने ये स्टोरी सुनी थी, आपने सुनी होगी साकिब अंगूर खट्टे हैं, है ना साकिब, ये मैंने आपके कपड़े फोल्ड कर दिए, अब आप इसको वार्डरोब पे रख दें, ये आपका काम है, मेरा काम है फोल्ड करना, आपका काम है वार्डरोब पे लगाना, देख लिए थे और मुझे ये सबसे बुरा काम लगता है, लेकिन करना तो पड़ेगा, और ये ज्यादा बिल्टअप हो गए, मुझे लगता है ये 2 वीक्स के होंगे, है ना बच्चे जो है वो दूध पी रहे हैं, हानिया ने तो इतनी मुश्किल से दूध पिया है क्योंकि हानिया जो है हॉट मिल्क लाइक नहीं करती और उजैफा जो है वो मिल्क शेक लाइक नहीं करता, तो दोनों ऑपोजिट है, हानिया आप रो क्यों रही थी पहले ये बताओ, ये देखे गाइस हानिया का रो रो के क्राई कर करके आज देखे कैसी हो गई है, रेड हो गई है, इसको फ्लू है और ये मिल्क शेक मांग रही थी आज अगेन, कल ट्वाइस पी लिया, आपको पता है ना कि हमारा यहाँ पे वेदर कैसा है, कोल्ड वेदर में मिल्क शेक ज्यादा थोड़ी पीते हैं बेटा, कल इसने 2 ग्लास मिल्क शेक के पिए, उजैफा का भी और हानिया का भी, है ना, तो आज इसको इतना पीना चाहिए क्योंकि इसको अब आपने फिनिश किया कि नहीं, अभी है देखो, ओह माय गॉड, अब आपको चाहिए कि जल्दी जल्दी मेरा बेटा पी लो, उजैफा उजैफा आप साथ जलेबी खा रहे हो अच्छी लगती है, आपको पता है ये मिल्क के अंदर ऐड करके भी कुछ लोग खाते हैं जी, बिस्किट की तरह, स्वीट है। स्वीट है। पापा पता कैसे खाते हैं ये मिल्क के अंदर डाल के स्पून के साथ डिप करके खाते हैं, स्पून के साथ जी, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और आपको क्या नीचे कारपेट से चीजें नजर आती जा रही हैं, ये बच्चों ने बिस्किट खा के गिराते हैं ना, हाँ और आप उठा उठा के रखते मेरे पाँव में आते हैं, अब डेली होवर करना भी मुश्किल हो जाता है, मैं अगर ये मैं ना उठाऊ ना तो जो हम जो हमारे 3-4 दिन निकल जाते हैं ना वो भी ना निकले तो ये चलते फिरते खाते रहते हैं तो नीचे ड्रॉप करते रहते हैं, और हानिया आपकी जो फ्रेंड है जिया उसके साथ आपकी आज क्या कन्वर्सेशन हुई है प्ले करते करते, सारे रोब्लॉक्स की बातें हुई है जी, क्या गेम्स की,
सैम प्ले करता मैंने उसको बोलते कि रोब्लॉक्स में के हमने कजन्स को अपने कजन्स को हमने मैं जब अपना कजन्स को अपना नेम दो जो रोब्लॉक्स में सुमन कार्ड कर सकता हूँ। मुज़फ़्फ़ा और आरवी क्या कह रहा था आपका यूट्यूब पर चैनल देख के? उन्होंने बोला मैंने बस बोला दीदी अच्छा कमाए अब यूट्यूब चैनल से बोला यस इट वाज सो कूल सो कूल। मैं तो आज थक गया हूँ बहुत ज्यादा। थक गए आप? क्योंकि तीन दिन ऑफ था ना उसके बाद तो वो काम का प्रेशर था आज काफी ज्यादा प्रेशर था तो काफी ऑर्डर्स थे। तो आपने आज दूध जलेबी खानी है या क्या? मैं सोचती हूँ मेरा गला खराब होने वाला है। चलो फिर मैं भी नहीं खाता। नहीं आप तो खाओ ना। चलो मैं ऐसा करता हूँ दूध गर्म करता हूँ तो हाफ का मैं अपना बना लेता हूँ और हाफ में फिर मैं तुम्हें चाय बना देता हूँ। चाय क्योंकि मेरा गला ना यहाँ से दर्द हो रहा है मुझे लग रहा है कि जैसे गड़बड़ होने वाली जो है ना वो अभी अप डाउन है तो अभी एहतियात करो क्योंकि बच्चों को भी फ्लू हो गया इसलिए मैंने उसको मिल्क शेक नहीं दिया और कल सारा दिन हम बाहर रहे तो उससे भी होता है इफेक्ट। आज स्कूल गए हैं सारा दिन तो ये आज स्कूल भी गए सारा दिन और जो शॉपिंग करके आया वो अभी तक चेक ही नहीं की दोबारा। अच्छा वो वैसे देखा ही नहीं है। इतनी हिम्मत नहीं हुई कि आके देख लें कि क्या चीजें लेकर आए और उसके बाद सुबह उठ के बिजी हो गए और अभी जब अभी तक मैंने सॉर्ट आउट नहीं किया कि क्या है किसकी क्या चीजें और क्या मिस है और क्या और लेना है। चलो देखते हैं कल। मैं सोच रही हूँ कि एक आधा चक्कर लगाऊं जरा। लेकिन पता है क्या करो ये लिस्ट बना के ना देख लो कि किसकी क्या चीजें आ गई वो मैं देख लूंगी कट ऑफ कर दो ताकि क्योंकि हमारे पास जो अलाउ है ना वेट वो ज्यादा नहीं है तो हमने बड़ा 23 kg पर पर्सन तो एंड 7 kg हैंड लगी तो जाते हुए तो मुझे लगता है 4 हैंड लगेज लास्ट करने पड़ेंगे। लेकिन ये है कि मेरी कोशिश यही है कि हमें दो हैं और तीसरा चौथा दो सूटकेस दो तो मेरे पास सूटकेस हैं हाँ और दो ही चाहिए क्योंकि चार सूटकेस एक आपके पास है मेरे ख्याल से एक शायद लेना पड़ेगा मुझे लगता है दो सूटकेस है एक हानिया के इजाफा का दो तो ये हैं तो टोटल चार लेकर जाने चार देखिए दो हम लेके जाएंगे वो है एक तो है एक तो बैग है दूसरा भी है दूसरा भी है दो बैग लेके जाएंगे वो इसलिए बैग लेके जाएंगे कि वापसी में अगर हमारे पास सामान ज्यादा ना हो तो उसको हम फोल्ड करके तो हम डाल सकते हैं सूटकेस में। अगर हम लेके सूटकेस के तो वो खाली भी हो हमें हाथ में लेके आने नहीं सब जमा करवा सकते नहीं फोर बैग के अलावा नहीं हम जमा करवा सकते 23 kg के फोर बैग तो इसलिए पॉइंट नहीं बनता कि इतने सारे सूटकेस लेके जाएं हम हमारे पास ऑलरेडी 6 सूटकेस हो रहे हैं विद हैंड लगेज और 2 हैंडबैग्स। चलो देखते हैं ना तो लेट्स सी देखते हैं कोई यहीं पे व्लॉग एंड करते हैं। तो अब मैं तो दूध पी के तो अब मैं सो जाऊंगा क्योंकि कल मेरी रात नहीं को आज आपने जागना चौकीदारी करनी है नींद पूरी मेरी। सो गाइज आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़।